दोस्तों नमस्कार, मैं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। यह दृश्य आप देख रहे हैं, यह कोई गाड़ी का शोरूम नहीं है। यह छपरा के भाजपा के सांसद पूर्व मंत्री राजीव सिंह रूढ़ी का निवास स्थान है। राजीव सिंह रूढ़ी के निवास स्थान के पीछे 40 से 50 एम्बुलेंस तिरपाल से झांप कर ढक कर रखा हुआ है। पप्पू यादव को पता चला, पप्पू यादव ने छापामारी किया पत्रकारों के साथ जाकर, तो सांसद निधि कोष से खरीदा हुआ यह नया नवेला एम्बुलेंस, 50 से 60 एम्बुलेंस राजीव प्रताप सिंह रूढ़ी भाजपा सांसद के घर के पिछवाड़े में छिपा कर रखा हुआ है। आप देखकर चकित हो सकते हैं कि जहां माफिया के द्वारा 1 किलोमीटर का 10,000 माफिया ले रहे हैं एम्बुलेंस का भाड़ा, वही एम्बुलेंस छिपाकर राजीव सिंह रूढ़ी रखे हुए। यह जांच का विषय है, पप्पू यादव कहते हैं जुल्म है ये राजीव प्रसाद रूढ़ी के द्वारा इस तरह का कार्य, यह जांच का विषय है। गरीबों और मजबूरों और पीड़ितों को आज एम्बुलेंस की आवश्यकता है, लेकिन ये गाड़ी को सरा रहे हैं, छिपा कर रखे हैं। FIR होनी चाहिए राजीव सिंह रूढ़ी पर। देखो, बेटा ने माँ को, पिता ने बेटा को, बेटा ने बाप, पति पत्नी को, गांव ने छोड़ दिया वहाँ पप्पू। 1 महीने हो गए इन मृत लोकतंत्र की, मृत और आत्मुग्धि सरकार लोकतंत्र को मार देने वाली। और ये नेता जो रावण कंस और यजीद से भी ऊपर और जल्लाद लोग बैठे हैं, ये क्या सारे एम्बुलेंस को और निकाल दिया गया, और कोई विनोद सिंह मुखिया के यहां भेज दिया गया, एक चौबे जी है उनके यहां भेज दिया गया। ये यहां 30 से ऊपर एम्बुलेंस और एम्बुलेंस को निकाल दिया गया, 60-70 से ज्यादा 100 के लगभग एम्बुलेंस। हम जानना चाहेंगे संबित पात्रा जी से कि आपके भाजपा के नेता हैं, हमारे भी भाई हैं, मेरा सवाल वो नहीं है। हम रूढ़ी जी के बारे में नहीं जानता है कि ये घर, मैं मुझे लगा किसी और का, रूढ़ी जी का घर नहीं है, लेकिन ये एम्बुलेंस यहां क्यों रखा हुआ है, सवाल ना रूढ़ी जी का है और ना पप्पू यादव का, सवाल बिहार और बिहारियों का है और इंसानियत का है, सिस्टम का है। सिस्टम क्यों मरी हुई है? 100-100 एम्बुलेंस जो लोगों के लिए काम कर सकती थी, इसको पटना में लगाते, छपरा में लगाते, सिवान में लगाते, सिवान की जनता को फ्री करते। क्यों 18 रुपया किलोमीटर? क्यों नहीं कोरोना की बीमारियों को फ्री किया गया सरकार के द्वारा? क्यों नहीं कोरोना की दवाई सरकार के द्वारा फ्री देने की बात हुई? कोरोना के समय 5 लाख का बीमा क्यों नहीं? क्यों जब पूरा का पूरा देश और बिहार कोलैप्स हो गया, हर घर में लाश और कफन, फिर बहाली क्यों? मैं इंक्वायरी की मांग करता हूं और यहां के सिविल सर्जन पे अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमे लगने चाहिए कि एम्बुलेंस यहां क्यों। मैं जांच का विषय मैं उठाता हूं। सांसद द्वारा हर गांव में नहीं समझ में आता कहां पर एम्बुलेंस है, जब 7,000-12,000 रुपया 1 किलोमीटर का एम्बुलेंस माफिया, इंटायर क्रिमिनल और माफिया। ये सांसद के पैसे नहीं है सर, ये जनता का पैसा, एमपी लेट्स जनता का पैसा होता है, सांसद का नहीं होता है। फिर एक अंतिम सवाल है, सारे और ये लगे क्यों प्रतिनिधि घर में बैठे अभी इसको खोलिए। हाँ, खोलिए भैया, खोलिए अभी घूम जाइए। तो डिस्टेंस पोजिशन खोलो यार, पता खोल, खोलो खोलो, पीछे का फोटो लो, रूढ़ी जी का खोलो,
ए खोलते कहीं नहीं, बोले खोलने खोल क्यों नहीं रहे, सब खोलो सब खोलो।